नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है, इस तरह की खबर मिल रही है। खबरें तो ये भी हैं कि आज या कल में तेजस्वी यादव की सगाई भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि बहुत लिमिटेड लोगों को इस शादी में बुलाया जाएगा और अमूमन ये संख्या 50 से पार नहीं होगी, यानी कि 50 के आसपास खास लोग बुलाए जाएंगे इस शादी में। तमाम रीति रिवाजों के साथ ये शादी होगी। फिलहाल किससे उनकी शादी तय हुई है ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दिल्ली में ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और यही वजह है कि पूरा लालू परिवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। तेजस्वी यादव को ही आरजेडी का वारिस माना जाता है, या ये कह लीजिए कि लालू प्रसाद यादव के बाद अगर किसी को आरजेडी के मुख्य नेता के तौर पर देखा जाता है वो तेजस्वी यादव ही हैं। इस समय पूरा लालू परिवार दिल्ली में ही है, चाहे फिर तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, राबड़ी देवी हो या फिर मीसा भारती हो, सब दिल्ली में मौजूद हैं और खबरें ये मिल रही हैं कि शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि एग्जैक्ट डेट क्या है शादी की ये फिलहाल अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ आज या कल में सगाई का कार्यक्रम हो सकता है। जैसी भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और इन सबके बीच आपको ये भी बता दें, 32 साल के हैं तेजस्वी यादव, राजनीति में बहुत ज्यादा वो सक्रिय हैं। तेजस्वी बिहार में विपक्ष के नेता भी हैं, मुद्दों पर जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, जिस तरीके से नीतीश सरकार को घेरने का काम करते हैं, वो ये दिखाता है कि आने वाले वक्त में उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो तो उज्जवल है ही, लेकिन निजी जिंदगी उनकी कैसी चलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको बता दें, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव विधायक हैं, 2015 से 17 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव रह चुके हैं, क्रिकेट में भी वो हाथ आजमा चुके हैं। वैसे एक तरफ छोटे भाई की शादी की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ बड़े भाई यानी कि तेज प्रताप यादव के बारे में भी आपको बता दें, उन्होंने 2018 में शादी की थी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से, लेकिन बाद में दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ और अब दोनों का तलाक हो चुका है। लालू परिवार में एक बार फिर से ऐसा लग रहा है जैसे खुशियां लौटने वाली हैं और ये खुशियां लौटेंगी उस लक्ष्मी की बदौलत जो तेजस्वी यादव की पत्नी के रूप में उनके घर आएगी। बहरहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर।